है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच जारी गतिरोध पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मतभेद के चलते कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी दल एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी के बड़े बड़े दावे करने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा घटनाक्रम में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के खेमे में बेचैनी बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने बिलासपुर में कहा कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीएम वीरभद्र सिंह में से किसी की भी कुर्सी पक्की नहीं है। ऐसे में सितंबर तक कई बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम लेंगे। हालांकि उनके इस दावे को कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अपनी कुर्सी पक्की नहीं, मुख्यमंत्री की अपनी पक्की नहीं, वो किसी दूसरे को कहां से लाएंगे? उनके जो एसोसिएटेड विधायक थे उनमें से एक ने भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के अपने प्रमुख नेता सितंबर महीने से पहले पहले बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस बात को धूमल साहब और अनुराग जी 4 साल पहले के कह रहे हैं, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार ने 4.5 साल पूरे कर दिए, ऐतिहासिक काम किए, अब इससे बुखलाए हुए हैं। और इक्का दुक्का यदि कोई स्टेटमेंट देता भी है तो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। ऐसे मुठ्ठी भर लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला कहीं नहीं है। ठाकुर के दावे में कितना दम है इसका भी खुलासा आने वाले महीनों में हो जाएगा। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी इससे पहले कई दफा राज्य सरकार के अस्थिर होने के दावे करती आई है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया।